में प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं कि प्रिपरेशन एकदम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कंडीशंस हैं वाईफाई का वो ज़्यादातर कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है, और ये प्रैक्टिकल करने के लिए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कॉलेजेस के लेवल पे तो आप थर्ड ईयर समझ लीजिए, या पीजी लेवल पे एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल होना था, बट उसके लिए जो तैयारी था वो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस ने नहीं किया। सर तो अब आगे कैसे क्या प्रिकॉशन लिए जाएंगे और कितने टाइम आप लोगों को एक एस्टिमेट हो कितना समय मिले और ताकि स्कूल को कॉलेजेस को प्रॉपरली खोला जा सके? देखिए बच्चों के लेवल पे तो प्रैक्टिकल और फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल बच्चों से ही डिमांड आया था, तो प्रैक्टिकल किस ढंग से किया जाए वो लेके टीचर्स के साथ मिलके, क्योंकि टीचर्स के साथ कोई बातचीत तो हुआ नहीं, प्रिंसिपल्स के कुछ प्रिंसिपल्स को बुला के डिसीशन बताया गया था, जो सुनने में आया बताया गया था, बट वो उस ढंग से टीचर्स में या बच्चों में ये डिसेमिनेशन नहीं हुआ, शेयर नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी ने सिर्फ थर्ड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए यानी कि एमएससी एमए फाइनल और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स के लिए यूनिवर्सिटी को खोला है, और उसमें भी स्टूडेंट को ये ऑटोनॉमी दी है, डिसीजन दिया है कि आप डिसीजन लें कि वो आना चाहता है कि नहीं। नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80% स्टूडेंट बाहर से ही आता है, और जब ये स्टूडेंट पर छोड़ दिया जाएगा कि आप आना चाहते तो आइए, तो उसमें ये हो रहा है कि हमारी 80 की क्लास में सिर्फ 7 स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं, तो हमें कॉलेज 7 स्टूडेंट्स के लिए खोलना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि एकदम हाफ बेक्ड एक्सरसाइज है, और यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को हॉस्टल खोलने का भी अनुमति नहीं दी है, तो जो आउटस्टेशन स्टूडेंट है वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सीरियस हैं इस बात पे कि हम वापस आके प्रैक्टिकल्स करें तो ये ज़रूरी है कि आप हॉस्टल्स भी खोलें। तो यूनिवर्सिटी ने एक हाफ मेजर लिया और ये अनाउंस कर दिया, और सैटरडे को ये अनाउंस किया कि सारे टीचर्स आएंगे। Thank you.